जो आप लोग पिक्चर बना रहे हैं, हाँ जी, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि वो वहाँ चिड़िया नज़र आ रही है, नीचे लोग नज़र आ रहे हैं, इसका क्या, इस पोस्टर का क्या मकसद है और इससे क्या मैसेज देना चाहिए? जो चिड़िया है ये स्टूडेंट्स है, जो भी रिसेंटली आपने देखा होगा गार्गी कॉलेज में जो सीन क्रिएट हुआ था, और अभी हमारे जामिया में जब उस दिन मार्च जा रही थी उस टाइम पे भी एक वो सीन क्रिएट हुआ था जो स्टूडेंट को दबाया जा रहा था, रोका जा रहा था। अच्छा, तो ये उस चीज़ के ऊपर हमने बनाया है। अच्छा, तो वो चिड़िया जो है वो स्टूडेंट्स है जिनको रोका जा रहा है, और जो दूसरे जो लोग हैं जिनको रोक रहे हैं। अच्छा, ये उनके हाथ है, ये उनके हाथ है। हाँ, तो स्टूडेंटों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस चीज़ को आप इसमें दिखाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम इसको दिखाना चाह रहे हैं। आप लोग इसको कहाँ लगाने वाले? जी इसको हम इसको यहीं लगाएंगे, यहीं करेंगे, शाहीन बाग में ही लगाएंगे। शाहीन बाग में लगेगा? हाँ जी। और इसको प्रिंट मेकिंग बोला जाता है। अच्छा। ये हमारे फाइन आर्ट्स का ही कोर्स होता है, फाइन आर्ट्स में आता है, जिसको प्रिंट मेकिंग बोला जाता है। अच्छा। इसको वुड कट बोला जाता है। वुड कट मतलब जो ये टूल्स और ये सब इंक से रोलिंग करते हैं, देन इसके ऊपर इंक लगाने के बाद हम इसके ऊपर कुछ शीट या तो कपड़ा लगाकर उसके ऊपर घिसकर कटोरी चम्मच से उसका इंप्रेशन लिया जाता है, उसको प्रिंट मेकिंग बोला जाता है। ये बताइए कि आप ये क्या बना रहे हैं? ये हम लोग CAA NRC और जो जामिया में और सारे कॉलेजेस में बच्चों के साथ ब्रूटैलिटी हुई है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के उससे हम प्रिंट मेकिंग का कर रहे हैं, हम इसका प्रिंट निकाल रहे हैं। क्या मैसेज आप इसमें दे रहे हैं? इसमें लिखा है कि जुल्म का बांध खोला जा रहा है, सबको रंगों से तोला जा रहा है, तेरे हिस्से में भी आएगा वो जहर जो हवाओं में घोला जा रहा है। तो इसका यही मैसेज है कि जो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो जहर घोल रही है हमारी जनता में, आवाम में, तो एक ना एक दिन वो उन पे भी किसी दिन आके वो पड़ेगी वो चीज़, वो उनको भी नुकसान देगी, वो हर किसी को नुकसान देगी, और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी नुकसान देगा ये सब। ठीक है, ये जो आप बना रहे हैं इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इससे बस स्टूडेंट को दिखाया हमने, मतलब ये बुक्स स्टूडेंट का है, और जो मतलब स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है उसको हमने दिखाया, और ये उसका BJP का वो है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमने ऐसे फांसी के फंदे में स्टूडेंट्स को जकड़ा हुआ दिखाया, इस टाइप में दिखाया, और ये हाथ तो मतलब हमारे का फंदा आपने BJP के लोगों को लगा के बनाया, ठीक है? हाँ, ओके। और ये जो सारे हाथ है उसका क्या? ये सारे हाथ मतलब ये इसमें प्रिंट है तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, बट ये खून के हाथ हैं सब। अच्छा। बच्चों के जो खून है और सबके हाथ है, ये सब ब्लड वगैरह बह रहा है पूरा इसमें। तो ये जो अत्याचार स्टूडेंट पे हो रहा है जी, वो, जी, आप वो हम दिखाना चाह रहे हैं। आज हमें 73 डेज होने वाले हैं ये हमारा जो दौर चल रहा है उसको लेके, तो इस बीच में स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हर तरीके से वायलेंस किया गया, और बहुत सारे हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से सफ़र किया है, जिसमें आपका जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन पे लाइब्रेरी में अटैक हुआ, उसके बाद उसी दिन में AMU पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद JNU पे स्टूडेंट्स पे अटैक किया गया, उसके बाद अभी रिसेंटली गार्गी कॉलेज जहाँ पे बहुत ही नाजायज तरीके से स्टूडेंट्स ने सफ़र किया, उन पे वहाँ पे भी अटैक किया गया। तो एक तरीके से ये एक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो सही आवाज़ है उसको किस तरीके से दबाया जा रहा है गलत तरीक़ों से। तो यहाँ हमने एक लाइन यूज़ करी है कि ट्राई टू टीयर मी डाउन, आई विल बी राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो हमारा ये पैनल है ये हमारा उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है कि आप जितना भी हमें दबाने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही उभर के आएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक पर्सन है जो स्टोन्स में से उभर के आ रहा है, तो स्टोन इज़ लाइक कि एक मजबूती का सिंबल है स्टोन, तो उसमें से हमने उभरते हुए नहीं दिखाया हुआ है।